मा तद्गमयम् तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रब करें, अच्छे से गर्म करें, धीरे धीरे आंखों पे रखें, धीरे से आंखें खोलें। कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज से हमारा नया विषय स्टार्ट हो रहा है, सेकंड पेपर है, हठ योग के सिद्धांत। हठ योग की फर्स्ट पेपर हमारा था योग के आधार तत्व, वो हमने कल पूरा किया। आज से नया पेपर नया विषय स्टार्ट हो रहा है, हठ योग के सिद्धांत, जिसके प्रथम यूनिट है। प्रथम यूनिट का प्रथम टॉपिक हम देखेंगे आज हठ योग की हठ योग की परिभाषा। सेकंड पेपर जो है पूरा वो हठ योग से रिलेटेड है, जिसमें हठ योग के विभिन्न ग्रंथों के बारे में पूरा वर्णन दिया हुआ है, हठ योग प्रदीपिका एवं किरण संहिता के बारे में, जिसकी प्रथम यूनिट का प्रथम टॉपिक है हठ योग की परिभाषा। आज हम देखेंगे हठ योग की परिभाषा। हठ शब्द जो है वो दो वर्णों से मिलकर बना है, हठ शब्द जो है वो दो वर्णों से मिलकर बना है, ह प्लस ह, दो शब्दों से मिलकर हठ शब्द बना है। इन दो वर्णों के ह और ठ के इन दो वर्णों से संस्कृत में कई नाम बनते हैं, जिनका वर्णन है ह अर्थात सूर्य, ह अर्थात चंद्र, ह अर्थात ग्रीष्म, ह अर्थात शीत, ह अर्थात पिंगला, ह अर्थात पान प्राण, अपान दिन रात, शिव और शक्ति। ह और ठ ये दो वर्णों से मिलकर हर शब्द बनता है, हर शब्द ह और ठ दो वर्णों से मिलकर बनता है। ह के जो अर्थ है और ठ के जो अर्थ है, ह से सूर्य बनता है, ठ से चंद्र, सूर्य और चंद्र, हकार और ठकार, ग्रीष्म और शीत, पिंगला और किरादो नाड़ी, पित्त और कफ, प्राण और अपान, दिन और रात्रि, शिव और शक्ति, अकार और ठकार, इस सब का आपस में मिलन, ह और ठ का आपस में मिलन हट होता है। उसी प्रकार सूर्य चंद्र का मिलन हट होता है, ग्रीष्म और शीत का मिलन हट होता है, पिंगला और किरा का मिलन हट होता है, पित्त और कफ का मिलन हट होता है, प्राण अपान का मिलन हट होता है, दिन रात्रि का मिलन हट होता है और शिव और शक्ति का मिलन, इन सभी का आपस में जो मिलन है उसे हठ कहा जाता है। हठ का अर्थ देखने के बाद अब हम हठ की परिभाषा देखेंगे, हठ योग की परिभाषा देखेंगे। हठ योग की विभिन्न परिभाषाएं विभिन्न ग्रंथों में दी गई है, जिसमें हम पहली परिभाषा देखेंगे सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार। सिद्ध सिद्धांत पद्धति हठ योग से संबंधित यह ग्रंथ है, जिसमें हठ योग का वर्णन देखने को मिलता है और उसमें हठ योग की परिभाषा देते हुए कहा है हकार कथित
सूर्य थकार चंद चंद्र सूर्य चंद्रमा सूर्योदय हठ योग निगच्छति सिद्धांत पद्धति में हठ योग की परिभाषा देते हुए कहा है अकार पति सूर्य सकार चंद्र उच्चते सूर्य चंद्र व सौर्योगार हठ योग निगच्छति अर्थात हकार अर्थात सूर्य हकार जो है सूर्य से रिलेटेड है थकार जो है वह चंद्र से। इसमें कहा गया है हकार अर्थात सूर्य स्वर और थकार अर्थात चंद्र स्वर। सूर्य स्वर और चंद्र स्वर इन दोनों नाड़ियों के सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी इन दोनों नाड़ियों के आपस में मिलन को हट कहा जाता है। ऐसा वर्णन सिद्ध सिद्धांत पद्धति में देखने को मिलता है। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति हठ योग की परिभाषा देखते हुए कहा है कि हकार अर्थात सूर्य स्वर थकार अर्थात चंद्र स्वर इन सूर्य स्वर और चंद्र स्वर सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी इनके जो आपस में मिलन होता है इन मिलन को हठ योग कहा जाता है। आगे वो परिभाषा देखेंगे। पहली परिभाषा हमने देखी सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार, दूसरी हम देखेंगे योग शिखोपनिषद के अनुसार। योग योग शिखोपनिषद में हठ योग की परिभाषा देते हुए कहा है हकारेण सूर्य त्यार हकारेण सूर्य चंद्र सौरेख्यम योग शिखोपनिषद में हठ योग की परिभाषा देते हुए कहा है अकारेण तु सूर्यस्या थकारेण तु उच्यते सूर्य चंद्रम सौरिक्यम हठ इत्यभि दीयते। हकार से आश्रय सूर्य स्वर का है, हकार से आश्रय है सूर्य स्वर और ठकार का आश्रय है चंद्र स्वर। इन हकार और ठकार चंद्र और सूर्य इनके एक्य को इनकी एकता को जब ये एक हो जाते हैं हकार और ठकार एक हो जाते हैं और सूर्य स्वर और चंद्र स्वर एक रूप एक दूसरे में मिल जाते हैं एकाकार हो जाते हैं उसी को हट कहा जाता है। इस प्रकार योग शिखोपनिषद में हठ योग की परिभाषा देखने को मिलती है। आगे और परिभाषाएं देखेंगे। पहली परिभाषा हमने देखी सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार, दूसरी देखी योग शिखोपनिषद में, तीसरी परिभाषा देखेंगे वो भी योग शिखोपनिषद की देखेंगे। तीसरी परिभाषा है वह भी है योग शिखोपनिषद। योग
पान प्राण योरेक्यम स्वरजो स्वरजो रेत सुप्त था सूर्य चंद्र असूर्योगो जीवात्मा परमात्मा ने जीवात्मा परमात्मा ने एवं तो बंद जालस्य बंद जालस्य संयोगो योग उच्यते संयोगो योग योग शिक्षोपनिषद में आके आगे अठवें की ओर परिभाषा देखने को मिलती है योपान प्राण योरेक्यम स्वरजो रेत सौम्यता सौर्य चंद्रम सौर्योगो जीवात्मा परमात्मनो एवं तो द्वंद जालस्य संयोगो योग उच्यते अर्थात अपान व प्राण पान और अपान प्राण और अपान रज व रेत सूर्य व चंद्र जीवात्मा व परमात्मा इन सभी का आपस में जो मिलन है उसे ही योग कहा गया है प्राण और अपान का रज व रेत का सूर्य चंद्र का एवं जीवात्मा और परमात्मा का योग शिक्षोपनिषद में कहा गया है प्राण और अपान का रज और रेत का सूर्य और चंद्र का और जीवात्मा और परमात्मा इन सभी चीजों का आपस में जो मिलन है उसे ही योग अर्थात सत्योग कहा गया है। यह परिभाषा जो है वो योग शिक्षोपनिषद में देखने को मिलती है। आगे हम देखेंगे अन्य परिभाषाओं के बारे में। हमने तीन परिभाषाएं देखी। सबसे पहली देखी सिद्धि सिद्धांत पद्धति के अनुसार, दूसरी देखी योग शिखोपनिषद के अनुसार, तीसरी देखी योग शिखोपनिषद के अनुसार। चौथी परिभाषा देखेंगे जो है हठ योग प्रदीपिका के अनुसार। चौथी परिभाषा है हठ योग प्रदीपिका। हठयोग प्रदीपिका में हठयोग की परिभाषा देते हुए कहा है अशेष ताप तप्तानां अशेष ताप तप्तानां अशेष ताप तप्तानां समाश्रय मठो समाश्रय मठो मठः अशेष योग युक्तानां योग युक्तानां अशेष योग युक्तानां आधारक मठो मठ आधारक मठो मठ
पहले उपदेश का दसवां श्लोक है, मत्तियोग प्रदीपिका के पहले उपदेश का दसवां श्लोक है। अशेष ताप तप्ता नाम तमाश्रय मतो मत, अशेष योग आधार मतो मत मतो हट। अर्थात यह मत्तियोग विद्या आध्यात्मिक आदि देविक एवं आदि भौतिक तापों से दुखी पुरुषों के लिए मठ अर्थात घर के समान आश्रय स्थल है। यह हठयोग विद्या का जो अभ्यास है, हठयोग विद्या जो है वह दुखी पुरुषों के लिए, जो दुखी पुरुष आध्यात्मिक आदि देविक और आदि भौतिक तापों से दुखी है, ऐसे दुखी पुरुषों के लिए मठ अर्थात घर के समान आश्रय स्थल के समान है। तथा जैसे यह समस्त पृथ्वी पौराणिक कथाओं के अनुसार समस्त पृथ्वी जो है वह कछुए पर टिकी हुई है, तो यहाँ कहा गया है जैसे यह समस्त पृथ्वी कछुए पर टिकी हुई है वैसे ही समस्त योग युक्त पुरुषों का आधार भी यह अतियोग है। एक तो आध्यात्मिक आदि देविक और आदि भौतिक तीन प्रकार के जो दुख है, तीन प्रकार के जो ताप है, उन तापों से जो पीड़ित पुरुष है उस पुरुष के लिए अतियोग जो है वह एक आश्रय स्थल के समान या एक मठ या अपने घर के समान है। और उसके बाद जैसे पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि समस्त पृथ्वी जो है कछुए के उपस्थित है, उसी प्रकार यहाँ भी कहा गया है कि समस्त योग युक्त पुरुषों का जो जीवन है वह भी हठयोग के ऊपर निर्भर है, हठयोग के ऊपर स्थित है। आगे और परिभाषाएं देखेंगे। दूसरी परिभाषा देखते हुए हठयोग प्रदीपिका में कहा गया है परम गोप्या योगिना योगिना सिद्धमिच्छता भवेद वीरवती पुत्रा निर्वियां निर्वियां प्रकाशिता के प्रथम अध्याय का ग्यारहवां श्लोक है। पहले हमने देखा प्रथम अध्याय का दसवां श्लोक, अब हम देखते हैं पहले अध्याय का ग्यारहवां श्लोक जो हठयोग प्रदीपिका का है, जिसमें कहा गया है हठ विद्या परम गोप्या योगिनां सिद्धमिच्छता भवेद वीरवती गुप्ता निर्विदा तू प्रकाशिता। अर्थात कैवल्य सिद्धि की प्राप्ति के इच्छुक प्रत्येक योगी को तत्परता पूर्वक इस महत्वशाली हठ विद्या का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि गुप्त रखने से ही यह हठ विद्या योगी के लिए बलप्रद होगी। हठ विद्या कितनी गोपनीय है उसका वर्णन किया गया है कि इसे गोपनीय योगी के लिए यह बलप्रद होती है, अन्यथा सर्वसाधारण को बताते रहने से यह विद्या निर्विय हो जाए निर्बल हो जाएगी और अंत में उस योगी के लिए भी निष्फल हो जाएगी। अर्थात जिसको ज्ञान है उसी को हठयोग विद्या का ज्ञान आगे देना चाहिए। जिन साधारण व्यक्ति को योग के बारे में कुछ पता ही नहीं है उसको इस विद्या का ज्ञान देने से यह विद्या जो है वह निर्बल हो जाती है और योगी को खुद को भी इस विद्या का कुछ लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इस विद्या को गुप्त रखा गया है, गुप्त कहा गया है कि इसे गुप्त रखना चाहिए, किसी भी साधारण मनुष्य को इस विद्या का ज्ञान नहीं देना चाहिए। इस प्रकार हठयोग प्रदीपिका में योग की दो परिभाषाएं दी, आगे और परिभाषाएं देखेंगे।
हटलोस प्रदीपिका में एक और बड़ी भाषा दी गई है जिसको हम देखेंगे, पीठानी पीठानी कुंभ काष्ठित्रा। पीठानी कुंभ काष्ठित्रा दिव्यानी दिव्यानि कर्णानि च कर्णानि च सर्वाणि अपि सर्वाणि अपि पठाग्रासे पठाग्रासे राजयोग फलावधि राजयोग फलावधि। प्रथम अध्याय का 67 नंबर का श्लोक है जिसमें कहा गया है पिठानी कुंभ काश्चित्रा दिव्यानि कर्णानि च सर्वाण्यपि हठाभ्यासे राजयोग फलावधि। अर्थात कहा गया है कि ये 84 आसन जितने भी आसन बताए गए हैं, तो इन 84 आसन कुंभक आदि विविध प्राणायाम तथा 10 मुद्राएं ये सभी एकमात्र राजयोग की प्राप्ति के साधन हैं। तो इन सभी का आसन प्राणायाम मुद्रा इन सभी का वर्णन हठयोग में किया गया है। तो कहा गया है कि हठयोग जो है वह राजयोग की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अर्थात हठयोग के जो साधन है वह राजयोग की प्राप्ति के लिए या राजयोग की प्राप्ति के लिए साधन है। राजयोग का फल प्राप्त होता है इन साधनों के द्वारा। अतः योगाभ्यासी चाहे तो वह राजयोग तक पहुंच जाने पर इन आसन आदि का प्रयोग छोड़ भी सकता है। हठयोग का अभ्यास जो है वह राजयोग की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो ऐसा कहा गया है कि जब राजयोग प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद इन आसनों अर्थात आसन प्राणायाम इन साधनों का जो अभ्यास है वह बंद कर सकते हो। अर्थात हठयोग जो है वह राजयोग की प्राप्ति का साधन माना गया है। तो यहाँ कहा गया है कि हठयोग का अभ्यास इसीलिए किया जाता है कि जिससे हम राजयोग को प्राप्त कर सके। इस प्रकार हठयोग प्रदीपिका में 3 परिभाषाएं दी गई है। आगे हम देखेंगे केरल संहिता के अनुसार। आगे परिभाषा देखेंगे केरल संहिता के अनुसार। केरल संहिता के अनुसार हठयोग की परिभाषा देते हुए कहा है आम कुंभ इवाम भक्तो आम कुंभ इवाम भक्तो जीर्यमाण सदा घटम। आगे कहा जा रहा है योगानलियम संहत्य घटशुद्धि समाचरे। जरन संहिता के अनुसार 8वां सूत्र है, श्लोक है 8वां श्लोक है जिसमें कहा गया है आम कुंभ इवाम वस्तो
जीयमान सदा घटम योगानलीन संदया घट शुद्धि समाचरे। अर्थात परिभाषा देते हुए, अठलोक की परिभाषा देते हुए कहा है, जैसे मिट्टी के कच्चे घड़े में मिट्टी के कच्चे घड़े में जल भर दिया जाए तो वह गलकर नष्ट हो जाता है। मिट्टी का जो घड़ा होता है, अगर वह कच्चा होता है और उसमें पानी भर दिया जाए, जल भर दिया जाए, तो वह नष्ट हो जाएगा, गल जाएगा। परंतु यदि घड़े को पकाकर जल भरे, अग्नि से पकाकर उसमें फिर जल भरे, तो न गलेगा न नष्ट होगा। अर्थात मिट्टी का जो कच्चा घड़ा है उसे पकाना जरूरी, अग्नि के द्वारा उसे पकाना जरूरी है। अगर कच्चे घड़े में हम जल भर लेंगे तो वो गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। परंतु अगर उसे अग्नि में जलाकर पकाकर उसे काम में लेंगे, उसमें जल भरेंगे, तो वह गलेगा नहीं, नष्ट नहीं होगा। इसी प्रकार जीव के अपरिपक्व शरीर के विषय में समझना चाहिए, इसी बात को जीव के शरीर के साथ भी जोड़कर समझना चाहिए। यह शरीर योगाग्नि के द्वारा ही परिपक्व हो सकता है, जैसे घड़ा अग्नि के द्वारा पक सकता है, परिपक्व हो सकता है, उसी प्रकार हमारा जीव का जो शरीर है वह योग की अग्नि के द्वारा ही परिपक्व हो सकता है। अतः शरीर को परिपक्व बनाने के लिए योगाभ्यास आवश्यक है। अर्थात शरीर को पकाने के लिए या शरीर को परिपक्व बनाने के लिए हठ योग का अभ्यास करना आवश्यक है। इस प्रकार हिरण्य संहिता में महर्षि हिरण्य ने शुरुआत में ही हठ योग की परिभाषा इस प्रकार दी है कि जैसे घड़े को पानी भरने से, जल भरने से पहले पकाया जाता है, उसी प्रकार जीव के शरीर को भी योग की अग्नि से पकाना आवश्यक है। इस प्रकार हमने योग की विभिन्न परिभाषाएं देखी, सबसे पहले सिद्धांत पद्धति के अनुसार, उसके बाद योग प्रदीपिका के अनुसार, योग उपनिषद के अनुसार, और अंत में हिरण्य संहिता के अनुसार योग की परिभाषा देखी। इस प्रकार विविध ग्रंथों के अनुसार हमने योग की हठ योग की परिभाषा देखी। आगे हम देखेंगे कि जैसे योग शब्द का सामान्य अर्थ है जुड़ने से, योग शब्द का अर्थ है जुड़ना, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना, इन सभी चीजों का आपस में जुड़ना जिसे योग कहा जाता है, उसी प्रकार हठ योग की प्रक्रिया को भी इसी प्रकार देखा गया है, जिसमें उपयुक्त ह और ठ, हकार और ठकार, ईड़ा और पिंगला, सूर्य और चंद्र, शिव और शक्ति, इन सभी का आपस में जुड़ना हठ योग कहा जाता है। जिस प्रकार योग के बारे में कहा जाता है कि आत्मा और परमात्मा का जुड़ना, उसी प्रकार हट के लिए कहा गया कि और का जुड़ना, अकार और ठका का जुड़ना, शिव और शक्ति का जुड़ना, पीला और पिंगला का जुड़ना, इस प्रकार दो चीजों का आपस में जो जुड़ाव होता है, एकता होती है दो चीजों में, उसे ही हट योग कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, लेकिन 3 नाड़ियां मुख्य रूप से देखी गई है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। वे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं जो मुख्य नाड़ियां हैं। पिंगला मेरुदंड के दाई ओर और ईड़ा मेरुदंड के बाई ओर पाई जाती है, और ईड़ा और पिंगला मेरुदंड के दाई और बाई ओर के जो मध्य में सुषुम्ना नाड़ी पाई जाती है। यही धारणा है कि पीड़ा पिंगला का प्रतिनिधित्व दाई नासिका करती है और ईड़ा का प्रतिनिधित्व बाई नासिका करती है। हठ योग में सिद्धि क्रियाओं के द्वारा, शुद्धि क्रियाओं के द्वारा, हठ योग में जो क्षत्रियाएं शुद्धि क्रियाएं हैं, उन शुद्धि क्रियाओं के द्वारा नाड़ियों की शुद्धि होती है, और यह शुद्धि होकर आसनों के अभ्यास में लचीलापन आता है। पहले तो क्षत्रियाओं से नाड़ियों की शुद्धियां होती है, उसके बाद आसन किए जाते हैं जिससे शरीर में लचीलापन आता है, और उसके बाद दोनों नासिका से विशिष्ट श्वास प्रश्वास लेते हैं। आसन के बाद जब दोनों नासिकाओं से विशिष्ट प्रकार से श्वास प्रश्वास करते हैं जिसे प्राणायाम कहते हैं, इस प्राणायाम में कुंभक का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले क्षत्रिया का अभ्यास करते हैं, उसके बाद आसन का अभ्यास करते हैं, और उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करते हैं जिसे कुंभक भी कहा जाता है। जब कुंभक के साथ प्राणायाम किया जाता है तो ईड़ा और पिंगला का एकीकरण होता है। जब कुंभक के साथ, कुंभक अर्थात श्वास को लेके अंदर रोकना और श्वास को लेके बाहर रोकना, रोकने की जो प्रक्रिया होती है उसे कुंभक कहा जाता है। तो कुंभक के साथ जब श्वास और प्रश्वास को लिया जाता है या प्राणायाम किया जाता है तो ईड़ा और पिंगला का एकीकरण हो जाता है। ईड़ा का
पिंगला के साथ एकीकरण एकाकार हो जाता है और प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाते हैं। जब पिंगला और पिंगला का एकाकार हो जाता है तब प्राण जो है मध्य में जो नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी उसमें प्राण बहने लगते हैं। इसे ही हठयोग कहा जाता है। जब गिरा और पिंगला से प्राण मिलकर एकाकार होकर सुषुम्ना में बहने लगते हैं इसी को हठयोग कहा जाता है। इस प्रकार हमने हठ क्या है, हठ का अर्थ क्या है ये देखा और हठयोग की विभिन्न परिभाषाएं देखी। विभिन्न ग्रंथों में जो हठयोग की परिभाषाएं दी गई है उन परिभाषाओं के बारे में हमने देखा। आगे हठयोग के बारे में आगे हम और पथ्य अपथ्य भोजन जो होता है उसके बारे में देखेंगे। साधक बाधक तत्व है उसके बारे में भी चर्चाएं करेंगे। कल की कक्षा में हम योगाभ्यास के लिए पथ्य और अपथ्य आहार का वर्णन देखेंगे। प्रणाम।